हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम एप्पल वाला किचन बनाएंगे। बहुत सारे पहले हमने इसे पहले भी बहुत सारे बनाए हैं। देखिए ये वाला, इन सारे में ये वाले लॉक लगा दीजिए तो ये आप की के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, या तो आप बच्चों के पलने के लिए डोरी बनाते हैं, मैंने खिलौने वाली डोरी बनाई है अपने चैनल में बहुत सारी, तो उसमें भी आप ये सारे खिलौने यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से की के साथ किचन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे हमने पॉपकॉर्न स्टिच से बनाया है, देखिए, और इसके अंदर हमने कॉटन डाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसे हम 4-ply वूल से बनाएंगे। नॉर्मल हमारी 4-ply वूल आती है, वो हमने ली है, और 11 नंबर का क्रोशिया 3 mm। और अब हम इसे इस तरह से लूप लेंगे और ऐसे करके 2 धागा लपेटेंगे। ऐसे 2 धागा लपेटने के बाद इस तरह से हम उंगली पर पकड़ के रखेंगे और इस धागे को नीचे से खींच करके ऐसे स्टार्ट कर देंगे। इसे हम 2 धागे वाली मैजिक रिंग बनाएंगे। और ये वाली जो मैजिक रिंग है वो बहुत ही अच्छे से रह जाती है, और इसमें बीच में हॉल भी नहीं रहता है। देखिए, यहाँ पर अच्छे से टाइट हो जाती है। तो एक चेन बना ली, और अब हम इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बनाया, देखिए 5 से, दूसरा 3 4 5 6 7 और ये 8 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। और अब हम इसे इस तरह से धागे को, देखिए ये जो खुला हुआ हिस्सा है, इसे हम खींच करके देखेंगे कौन सा वाला इन दोनों लूप में से खींचता है, वो हमें ध्यान रखना है। इसको खींच करके देखेंगे तो देखिए, ये वाला हमारा अंदर चला गया, वो वाला हमारा खींचा। तो पहले हम इसे खींच करके, छोटा वाला जो हमारा फ़िलहाल अभी खींचा है उसे खींच करके पहले हमें इसको टाइट कर देना है। जो हमारा खींचा है इससे हम इसको ऐसे पहले टाइट कर देंगे। जो पहले खींचा है वो इसके साथ कनेक्ट था, इसीलिए वो बाद में खींचेंगे। अब ये खुला हुआ इससे हिस्सा जो है वो खींचेंगे तो ए वाला टाइट हो जाएगा। ऐसे देखिए तो हो गए अच्छे से टाइट। और अब हम इस राउंड को ज्वाइंट कर देंगे। और अगर आपको ये 2 loop वाली मैजिक रिंग बनाना शायद डिफ़िकल्ट लगे तो आप 1 loop वाली भी बना सकते हैं। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं तो मैजिक रिंग से ही स्टार्ट करते हैं, तो वो वाली भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। और अब हम 3 chain बनाएंगे, 1, 2 और 3। और इसी के अंदर जहाँ पर हमने 3 chain बनाई है इसी के अंदर हमें 4 डबल क्रोशिया करना है, 2 3 और ये 4। 4 हमने डबल क्रोशिया किया और 1 हमारे 3 की चेन थी, तो यहाँ पर डबल क्रोशिया 4 हो गए। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर क्रोशे को निकाल देंगे और यहाँ पर से पहली चेन में डाल करके इस लूप को खींच लेंगे ऐसे, और फिर एक चेन बना लेंगे और फिर से लूप लेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में 5 डबल क्रोशिया करेंगे। सेम चेन में 5, पहले हमने 4 डबल क्रोशिया किया था लेकिन एक पहले हमारे 3 की चेन थी, इस धागे को साथ ले लेंगे। और अब सेम चेन में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 हो गया, 4 और ये 5। 5 डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन, फिर यहाँ पर से क्रोशे को निकाल देंगे और जो पहला डबल क्रोशिया था इसके अंदर डाल करके लूप को ऐसे खींच लेंगे और फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में
पांच बार डबल क्रोशिया ऐसे। तो हमारी आठ चेन है, तो इस तरह से हमारे आठ पफ बनेंगे। देखिए दो तीन चार और ये पांच, पांच बार डबल क्रोशिया हमने बना दिए। फिर एक चेन, फिर से यहाँ पर पहले डबल क्रोशे के अंदर डाल करके ऐसे स्लिप स्टिच, फिर एक चेन। तो आगे हमारी पांच और चेन है, तो पांच चेन में हम इसी तरह से पफ बना लेंगे, तो ये हमारे आठ हो जाएंगे। देखिए हमने तीन तो बना लिए। राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर लास्ट वाला बना करके एक बार चेन बना ली, और अब हमें यहाँ पर राउंड को जॉइंट करना है। देखिए आठ पफ आए हैं हमारे, आठ सिंगल क्रोशे थे, तो हर एक के अंदर हमने एक एक बना दिया। अब लास्ट में एक चेन भी बना ली, और अब हमने जो पहले तीन चेन बनाई थी, देखिए यहाँ पर जो पहला पफ बनाते थे तब हमने जो तीन चेन बनाई थी इसके अंदर डाल करके ऐसे स्लिप स्टिच कर दी, और फिर से आगे दोनों पफ के बीच में यहाँ पर फिर से एक बार स्लिप स्टिच, और अब दोनों पफ के बीच में हमें यहाँ पर फिर से पफ बनाना है। तीन चेन ली और इसी के अंदर चार बार डबल क्रोशे, दो तीन और ये चार, और फिर से एक चेन, और फिर यहाँ पर जो हमने तीन चेन बनाई थी इसकी पहली चेन में डाल करके यहाँ पर से लूप को जॉइंट कर देंगे ऐसे, फिर एक चेन, और फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर यहाँ पर फिर से पांच बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच बार डबल क्रोशे बन गए, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर पहले डबल क्रोशे के अंदर डाल करके ऐसे फिर से एक चेन, और अब हमें यहाँ पर दो पफ बनाने हैं। एक में एक बनाया, नेक्स्ट में दो बनाएंगे ऐसे, फिर से इसके अंदर पांच बार डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, और फिर एक चेन, और फिर से पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच। तो एक ही लूप के अंदर हमने दो पफ बनाए, फिर से यहाँ पर एक चेन लेकर के नेक्स्ट वाले के अंदर, नेक्स्ट वाले के अंदर एक पफ बनाना है, और फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर दो। तो इस तरह से हम एक में एक और एक में दो ऐसे हम पफ बनाते हैं, दो तीन चार और ये पांच, फिर एक छः, और फिर से यहाँ पर शुरू में ऐसे एक पफ बन गया, फिर से एक चेन। अब नेक्स्ट वाले हॉल में दो पफ के बीच में फिर से दो बार पफ बनाएंगे, जैसे हमने आगे बनाया था अभी, इस तरह से दोनों पफ के बीच में डालना है हमें ऐसे। देखिए यहाँ पर फिर से पांच बार डबल क्रोशिया करेंगे और सेम प्लेस पर दो बार पफ बना लेंगे। तो देखिए ऐसे हमने शुरू में एक बनाया था, फिर दो, फिर से एक और फिर से दो। तो इस तरह से एक में एक बनाएंगे और एक में दो बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए आखिरी में हमारे दो बार आए हैं, तो ये हमारे टोटल दूसरे राउंड में कितने पफ हो गए, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह, टोटल बारह पफ हो गए हमारे, क्योंकि एक छोड़कर एक में हमने दो बनाया है। यहाँ पर एक चेन भी हमने बना ली, और यहाँ पर स्टार्ट में जो तीन चेन बनाई थी इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से हम जॉइंट कर देंगे ऐसे, और फिर से दोनों पफ के बीच में और एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, फिर से एक दो और तीन चेन बनाएंगे, और इसी के अंदर डाल करके चार बार
डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक तीन की चेन और चार हमारे डबल क्रोशिया, चार बन गए, फिर एक चेन, और फिर से यहाँ पर पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, फिर एक चेन। अब हमें हर एक के बीच में 12 के ऊपर 12 ही पफ बनेंगे हमारे, ऐसे यहाँ पर इसके बीच में भी एक बार पफ बना देंगे, दो लिए थे इसके बीच में, हर एक पफ के बीच में हमें एक एक बनाना है, तो 12 के ऊपर 12 पफ बन जाएंगे हमारे, तो पांच बना करके फिर से पफ बना लेंगे जैसे हम पहले बनाते थे, एक दो तीन चार और ये पांच, फिर एक चेन, फिर से पहले के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच, एक चेन, फिर से नेक्स्ट में ऑफ, दोनों के बीच में। तो इस तरह से आप राउंड को कंप्लीट कर दीजिए, हर एक के बीच में एक एक, तो 12 के ऊपर 12 बन जाएंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है, और अब हम यहाँ पर लास्ट में हमने चेन भी बना ली है, और जैसे हम जॉइंट करते थे तीन की चेन के बीच में इस तरह से क्रोशे को डाल करके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर से एक बार यहाँ पर बीच में स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हमारी आखिरी रो है, तो इसके अंदर हम तीन चेन बनाएंगे, और जैसे पफ बनाते थे वैसे ही बिल्कुल बना लेंगे, चार बार डबल क्रोशिया करके, दो तीन और ये चार, चार बार कर दिया, फिर एक चेन, और यहाँ पर से पहले से डाल करके स्लिप स्टिच, फिर से एक चेन। और अब हमें यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हॉल में बनाना है, एक दो और ये तीन, तीन बार डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाई, और नेक्स्ट वाले हॉल में दो बार। अब इस तरह से दो में से एक कर देना है हमें, ऐसे यहाँ पर तीन बार डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर दो बार, और अब हम एक चेन बना लेंगे, और यहाँ से डाल करके ऐसे जॉइंट कर देंगे दोनों को, तो दो हमारे हॉल यूज़ हुए और पफ स्टिच हमारा एक ही बना। तो इस तरह से हम फिर से एक चेन लेंगे, और नेक्स्ट वाले में एक ही हॉल में पूरा पफ बनाएंगे, और फिर से नेक्स्ट में दो में से एक कर देंगे, ऐसे करना है हमें, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच बार हो गया एक चेन, और फिर हमारा पहले के अंदर डाल करके जॉइंट, फिर से एक चेन, और अब फिर से नेक्स्ट वाले लूप के अंदर डबल क्रोशे दो बार। आप पहले दो बनाए या तो बाद में दो बनाए, जैसे आपकी मर्जी। देखिए यहाँ पर दो बना दिया, अब नेक्स्ट में तीन बना देंगे, तो टोटल पांच हो गया, एक दो और ये तीन, तीन बना करके एक छः, तो ये दो के अंदर हमने पांच बना दिया। और अब हम पहले डबल क्रोशे के अंदर डाल करके लूप को खींच करके स्लिप स्टिच बना देंगे, और फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में पूरा पफ बनाएंगे, और फिर से नेक्स्ट में दो में से एक कर देंगे, एक में दो और एक में तीन बना करके ऐसे कर देंगे। तो इसी तरह से हम राउंड कंप्लीट कर देंगे, यहाँ पर हम पूरा पफ बनाएंगे एक ही हॉल में। तो देखिए आखिरी पफ है हमारा, तो यहाँ पर हम एक चेन ले लेंगे, और पहले के अंदर डाल करके ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे, तो ये बन गया दो में से एक, फिर एक चेन ले लेंगे, और अब हम यहाँ पर ये जो तीन चेन है इसके अंदर डाल करके ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे, और ये जो हमारा आखिरी राउंड में पफ है वो आठ हो जाएंगे। फिर से देखिए शुरू में आठ था, तो वैसे ही एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, तो इसी तरह से हमारा आठ हो गया। और अब हम यहाँ पर धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे, क्योंकि इसी धागे से हमें इसको बंद करना है, तो अब हम यहाँ पर धागे को काट देंगे, और
और फिर नीडल में पिरो लेंगे और इसके अंदर इसे पहले तो हम कॉटन डाल देंगे अच्छे से, इसके अंदर कॉटन डाल देंगे ऐसे। और थोड़ा सा डाल दो। तो देखिए नीडल में धागा हमने पिरो लिया है और अब हम इसे यहाँ पर से देखिए ऐसे लेंगे। यहाँ पर हमारा धागा है तो इसका आगे वाला जो पफ है इसके अंदर ऐसे यहाँ से नीडल को निकाल देंगे ऐसे, फिर से नेक्स्ट वाले पफ में भी इसी तरह से। तो हर एक पफ के अंदर हमें इस तरह से नीडल को निकालना है। तो सारे के अंदर हमने चला दिया, फिर इसे खींच लेंगे, अच्छे से खींच देंगे, कॉटन को अंदर की ओर प्रेस कर देंगे और फिर इसे खींच लेंगे ऐसे। और अब हम ऐसे करके नॉट लगा देंगे, अच्छे से पक्का कर देंगे ऐसे करके। थोड़ा सा इधर उधर धागा घुमाएंगे, फिर धागे को काट देंगे ऐसे। इस तरह से थोड़ा सा घुमा फिरा करके फिर धागा काट देंगे। तो देखिए अब हम इसके ऊपर की जो ये चेन है और पत्ती है वो वाला बनाएंगे। तो ग्रीन कलर से हम धागे को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ग्रीन धागा ले लिया, इसमें नॉट लगा देंगे और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 8 चेन बनाएंगे। और इसके बाद 8 चेन बनाने के बाद एक चेन हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहली में एक स्किप की और नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया। अब हमें 5 बार डबल क्रोशिया करना है, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर से नेक्स्ट वाली में आखिरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया और इसी के अंदर स्लिप स्टिच, फिर एक चेन। इसी के अंदर हमने स्लिप स्टिच करी जिसमें हमने आखिरी में सिंगल क्रोशिया बनाया था। और अब हम यहाँ पर से देखिए स्लिप स्टिच भी इसी के अंदर की, फिर एक चेन ली। अब हम इसी के अंदर से रिटर्न करेंगे। देखिए ये जो पहला ही हमारा चेन है सिंगल क्रोशे वाला, इसके अंदर डाल करके ऐसे रिटर्न में हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। ऐसे हर एक चेन में डालते जाएंगे और इस तरह से करते जाएंगे। देखिए एक चेन ली, जो हमने चेन पहले ली थी वो हमारी खुल गई थी, सॉरी स्लिप स्टिच भी हमारी खुल गई है। इसके अंदर से स्लिप स्टिच और फिर चेन। और अब हम यहाँ पर टर्न लेकर के ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, अगली वाली चेन पे डालेंगे और ऐसे करके सिंगल क्रोशिया लेते जाएंगे। अगली अगली वाली चेन में हमें डालना है और ऐसे करके सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है ऐसे।
ऐसे, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया। फिर से सिंगल क्रोशिया और अब हम एक चेन ले लेंगे। यहाँ पर हम जब यहाँ पर टोच पर पहुँच जाएंगे तब हमने एक चेन बना ली है, क्योंकि इस तरफ मुड़ जाएगा आराम से, इसलिए। अब फिर से ऐसे ही एक एक लूप के अंदर जैसे हमने किया था वैसे ही हम सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। टर्न लेने में थोड़ा सा निकालने में दिक्कत आएगा, फिर आराम से बन जाएगा। आगे आगे के लूप में ऐसे ऐसे करते जाएंगे, हर एक लूप के अंदर ऐसे बना देंगे ऐसे। फिर आखिरी वाले में ऐसे फिर एक चेन बना लेंगे और फिर यहाँ पर जो पीछे लूप दिखाई देता है इसके अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे, देखिए। और अब हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 चेन बना ली। और अब हम इसी के पास में ऐसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। फिर इस धागे को थोड़ा सा लंबा खींच करके काट देंगे, क्योंकि इसी धागे से हमें इसके साथ अटैच करना है, तो थोड़ा सा धागा लंबा रखें। इस धागे को हमने नीडल में पिरो लिया है और अब हम इसे देखिए, ये वाला जो धागा है हमारा, इसके साथ इसकी नॉट लगा देनी है। तो इसके पास में थोड़ा सा इसे लेके जाएंगे, फिर दोनों की नॉट लगा देंगे ऐसे करके। हमने नीचे की ओर ले लिया और अब इस दोनों धागे की नॉट लगा देंगे ऐसे। अच्छे से नॉट लगा दी, फिर ये वाला धागा एक्स्ट्रा काट देंगे। और अब हमने जो ये बड़ा वाला धागा नीडल में पिरोया है इसके साथ हम इसे जॉइंट कर देंगे यहाँ पर, देखिए। ऐसे करके हम बीच में इस तरह से नीडल को डालेंगे और साइड की ओर से ऐसे निकाल देंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर से खींच लेंगे ऐसे करके, और फिर इसी के साथ थोड़ा सा नीचे से लेंगे और थोड़ा सा पत्ती में से लेंगे ऐसे करके स्टिच कर देंगे, ताकि अच्छे से इसके साथ जॉइंट हो जाए। अब हम इसी पत्ती के अंदर धागे को देखिए ऐसे करके थोड़ा सा उल्टा करके इसी के अंदर थोड़ा सा चला देंगे और बीच बीच में नॉट भी लगाते जाएंगे और फिर धागे को काट देंगे ऐसे, देखिए। इसी के अंदर धागे को चला देंगे तो ये दिखेगा भी नहीं ऐसे। फिर से वापस से नीचे की ओर जाएंगे, थोड़े थोड़े से स्टिच में से लेते जाएंगे और इसके अंदर बीच बीच में नॉट भी लगाते जाएंगे, तो ये हमारा धागा खुलेगा भी नहीं। तो ऐसे करके आप लगा दीजिए और फिर धागे को काट दीजिए। तो देखिए हमारा बन करके रेडी हो गया है, बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके अंदर आप इस तरह के लॉक डाल दीजिए, ये हमारा किचन रेडी हो गया।
और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हमारा नाम राधे कृष्णा क्रोचेट ही है, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो पर।